ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.3। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देयर आर टू क्यूबोडाइल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, व्हिच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। इसमें बोला बताया गया कि दो क्यूबोडाइल बॉक्स है हमारे पास में, सबका मेजरमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसमें हमको बताना है कि किस इन दोनों में से किसको बनाने में कम मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, तो अब हम पहले हम इसका सरफेस एरिया, हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया क्यूबोडाइल का, उससे हमको पता चल जाएगा। जब हम एरिया निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि उसको मटेरियल को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है, उस बॉक्स को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। दोनों बॉक्स हैं, दोनों बॉक्स के मेजरमेंट हमको दे के रखा हुआ है, तो हम लिख लेते हैं पहले। दोनों ए और बी में दिया है, ये ए है और ये हमारा बी है, तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ क्यूबोडाइल जो गिवन है हमारे पास वो हम पहले लिखेंगे। गिवन में लेंथ ऑफ क्यूबॉइड ए, ठीक है, कितना दिया हुआ है हमारे पास लेंथ यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, तो हम 60 लिख लेते हैं यहाँ पे। ब्रेथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी है हमारे पास, दी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों सरफेस, हमारे पास क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, तो हम टोटल सरफेस एरिया हमने मैंने आपको फॉर्मूले पहले ही बता दिए थे, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, तो हमारा क्या होगा इसका फॉर्मूला, हमारे पास होता है 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है, तो 2 लेंथ ब्रेथ कितना, मतलब 60 × 40 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 40 × 50 प्लस हाइट लेंथ मतलब 50 × 60। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 = 24, तो 240, 4 × 5 = 20, तो 200, 5 × 6 = 30, तो 300। ठीक है, अब इन दोनों इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 240, 200 और प्लस 300 को। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0, 0, 2, 0, लगाने पड़ेंगे, 6 × 4 = 24 और 20, 4 × 5 = 20 और 20। ठीक है, 20 और 20 और ऐसे 6 × 5 = 30 आया, तो ये 2 0 भी हमारे लगेंगे। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारा, प्लस करके अब हमारे पास 1, 2, 4 और 3, 2, 5, 5 और 2, 7,400 हमारे पास प्लस करके वैल्यू आ जाएगी। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 4 = 8 और 2 × 7 = 14, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया है, 14,800 cm². अभी हमारा सिर्फ क्यूब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ए का आया है। ठीक है, अभी हमें दूसरे का वन निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, दूसरा हमारा क्या है, पहला तो हमारा क्यूबॉइड था, लेकिन सेकंड जो फिगर में दिया हुआ है वो हमको दिख रहा है कि वो क्यूब है, तो हम क्यूब का फॉर्मूला निकालेंगे। हम पहले लिख लेते हैं, गिवन में हमारे पास क्या है, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब कितनी है, क्यूब की साइड हमारी 50 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6a² होता है।
हम ए स्क्वायर मतलब साइड होती है, ए का मीनिंग साइड ही होता है, तो सिक्स ए साइड कितनी दी है हमारे पास 50। आप चाहिए तो आप यहाँ पे ए इक्वल्स टू साइड भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह से लिख लीजिए। अब 6 × 5 = 25 और 2 = 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर हमारा 25 आता है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 = 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि इसमें कम लग रहा है हमारा क्यूबॉइड बनाने में, हमारा मटेरियल कम लग रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स क्यूबॉइड requires less number of material to make। हमको क्यूबॉइड बनाने में कम मटेरियल यूज हुआ। देखेंगे आप दोनों का एरिया निकाल के हमने निकाल दिया, ये क्यूबॉइड था और ये क्यूब था, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले लगा के हमने सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सूटकेस विथ मेजर, देखो मेजरमेंट दिया हुआ है इसमें, मेजर्स 80 cm × 48 cm × 24 cm। मतलब देखो आप सूटकेस देखेंगे तो आप उसको क्यूबॉइड फॉर्म में देख सकते हैं, उसको क्यूबॉइड फॉर्म में होता है वो, क्यूबॉइड मतलब एक क्यूबॉइड बॉक्स होता है ना, जो मैंने पहले बनाया अभी इससे क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी तरीके से सूटकेस का भी हमारा जो आप देखेंगे वो क्यूबॉइड फॉर्म जैसा ही दिखता है। तो हम क्या देखते हैं उसका मेजरमेंट, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट हमको दी हुई है, ठीक है। कवर अब लिखा है से इज टू बी कवर्ड विथ अ ट्रेपेलियन क्लोथ, ये कवर है, कवर्ड है किससे, ट्रेपेलियन क्लोथ से। ट्रेपेलियन क्लोथ मतलब कुछ ट्रेपेलियन टाइप का क्लोथ आता है वो कवर करता है सूटकेस को, ठीक है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रेपेलियन ऑफ विथ 96 cm इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। अब उसमें लिखा है कि ट्रेपेलियन क्लोथ जिसकी विथ 96 cm है, ऐसे कितनी 100 ऐसी सूटकेस को कवर करने में कितना उसको मीटर लग जाएगा वो कपड़ा, ठीक है, जिसका विड्थ हमको पता है, लेंथ नहीं पता है तो हम लेंथ निकालेंगे उसकी, मीटर पूछा है तो हम वही कितना लेंथ कितना मीटर हमको लगेगा वो हम निकाल लेते हैं, हमको सिर्फ विड्थ पता है, क्योंकि हमको बनाने के लिए उसमें लेंथ होना ज़रूरी है, तो वो हम निकालेंगे। और हमको क्या निकालना है, 100 सूटकेस के लिए कितना मीटर लगेगा, ठीक है। तो हम ये वैल्यू निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन लिखिए, पहले हमको मेजरमेंट दिया है तो हम वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है आपको, लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्यों, क्योंकि सूटकेस का जो आकार होता है या उसका जो देखने में वो आपको क्यूबॉइड जैसा दिखेगा, ठीक है। ये क्या है, लेंथ दी हुई है 80 cm, ब्रेथ हमारे पास, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड सूटकेस कितना हो जाएगा हमारे पास 48 cm, और हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड सूटकेस इक्वल्स टू कितना है 24 cm। अब हम क्या निकाल लेते हैं, पहले हमको इसका टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तभी हम देखेंगे वो सरफेस पे कितना वो क्लोथ लगता है। तो हम पहले निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, जिससे हमको पूरा एरिया मालूम हो जाएगा। फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ठीक है। तो अब 2 लेंथ ब्रेथ क्या 80 × 48 + 48 × 24 + 24 × 80, ये आपका। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने, 80 और 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 384
0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 48 इंटू 24 का मल्टीप्लाई करते हो तो 1152 आ जाएगा, और प्लस 24 इंटू 80 का मल्टीप्लाई करते हो तो 1920। तीनों का प्लस करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5912। इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि बीच में कोई रीजन साइन नहीं है, तो हम 5912 और इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18 और 2 5 10, तो 11 11, सॉरी 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, 1 बचा 3। का प्लस करने पे पहले कितना आता है 3 8 4 0 1 1 5 2 और 1 9 2 0, तो 2 4 5 9 9 और 2 11, 1 8 9 9 और 9 18, 18 और 1 19, और 1 और 3 4 4 और 1 5 5 और 1 6, तो 2 2 4 2 1 2 2 9 18 2 6 12 और 1 आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तीनों का प्लस करने पर 56912 आने आ रहा है, और 6912 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है वो हमारे पास 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब हमें क्या पूछा था उन्होंने कि जो 100 सूटकेस है उसको कवर करने के लिए कितना हमको क्लोथ लगेगा, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्लोथ, एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर सूटकेस, कितनी सूटकेस के लिए बोला था उन्होंने 100, एज 100 सूटकेस के लिए कितना लग जाएगा, तो 13824 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100, क्योंकि 100 सूटकेस का हमने इसका एरिया निकाल लिया है टोटल सरफेस एरिया, तो उससे हम निकालेंगे कि 100 सूटकेस का कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा 13824 और 00। ठीक है, ये हमारा 100 सूटकेस के लिए आ गया। अब उन्होंने बोला था 100 सूटकेस के लिए, ये टोटल क्लोथ नहीं आया, ठीक है, एरिया ऑफ क्लोथ मतलब क्लोथ का जो एरिया है वो निकल के आया, अभी हमको लेंथ नहीं पता है, तो हम लेंथ निकालेंगे अभी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्लोथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्लोथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ सूटकेस, एरिया ऑफ सूटकेस मतलब हमें 100 सूटकेस का पूछा है तो हम उसी हिसाब से लेंथ निकालेंगे इसकी। ठीक है, एरिया ऑफ क्लोथ हमारे पास कितना है, देखिए आप कोई क्लोथ लेते हैं तो वो अगर सूटकेस में लगेगा, सूटकेस में इस तरह से लगेगा तो उसका क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि कोई भी कपड़ा आप लगाते हैं उसमें सरफेस पे उसके, तो वो कैसा रहेगा, इसी तरीके से रहेगा, इसी तरह से काटा जाएगा उसको, तो एरिया ऑफ क्लोथ मतलब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, तो हम एरिया ऑफ क्लोथ की जगह क्या लिख सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ सूटकेस कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ सूटकेस मतलब 100 सूटकेस का, ठीक है, एरिया ऑफ 100 सूटकेस ये आप ऐसे लिख सकते हैं 13824 00। ठीक है, ये आ गया आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ पे हमारे पास ब्रेथ दिया हुआ था तो हम क्या लिख लेंगे, लेंथ की जगह एल ही लिखे रहने दीजिए, और ब्रेथ विड्थ मतलब विड्थ और ब्रेथ सेम होता है, तो हम उसको ब्रेथ की जगह क्या लिख सकते हैं 96 96, 13824 00। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको लेंथ निकालना है तो हम लेंथ एज इट इज लिखेंगे इक्वल्स टू 13824 00 अपॉन क्या कर देंगे हम, करेंगे 96। ठीक है,
1382400/96. अब हम इसको काट, हम इसको रिड्यूस करेंगे, 12 8 96, 12 1 12, फिर 12 1 12, देखिए 18 था, 18 माइनस 12 करेंगे 6 बचेगा, 12 5 16, और फिर 2 बचेगा तो 12 2 24 और 20, ठीक है। अब देखते हैं 8 से ये डिवाइड होता है क्या, एट वन जा एट, थ्री आया, एट थ्री जा 24, कितना आया यहाँ पे, एट वन जा एट, 9 10 11, या तो आप 2 से काट दीजिए, 2 4 जा 2, ये आपके लिए इजी पड़ेगा, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 0 0, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 0 0, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 0 0, तो हमारे पास कितना आ गया, लेंथ हमारी आ गई 1 4 4 0 0 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में आएगा, स्क्वायर में नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एरिया नहीं पूछा है, हमें सिर्फ लेंथ पूछा है, तो ये किसमें, सेंटीमीटर में, लेकिन हमको आंसर चाहिए मीटर में, क्योंकि कपड़ा हमेशा मीटर में ही नापा जाता है, सेंटीमीटर में नहीं, ठीक है। तो हम इसको मीटर में जब करेंगे कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा, 1 4 4 0 0/100 मीटर में इस कन्वर्ट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, अब एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 144 मीटर, यह हमारा आंसर आ जाएगा 144 मीटर, मतलब 100 सूटकेस के सरफेस पे लगाने के लिए हमारे पास जो हमारे पास कौन सा टेरेपलिन का जो क्लोथ बोला था, वो हमें कितना टेरेपलिन क्लोथ, हमको 144 मीटर यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाता है।